स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों स्टडी आई क्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी आज बात करेंगे आपके एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक की जिसकी पहले भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए और अभी हाल ही में जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से भी लगातार आपके कमेंट आ रहे थे इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये वाले इस टॉपिक पे वीडियो किया जाए ये टॉपिक है ये वीडियो होगा आज मुख्तार अंसारी के ऊपर मुख्तार अंसारी जिसके दादा की अगर बात करें तो दादा दादाजी जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी के बहुत करीबी थे नाना की तरफ से अगर नाना जी की बात करें तो नाना जी जो मुख्तार अंगसारी के थे वो थे ब्रिगेडियर उस्मान हमारे भारतीय फ़ौज के वो ब्रिगेडियर उस्मान वो लॉन ऑफ नौशेरा जिन्होंने सन सैंतालीस अड़तालीस की लड़ाई में नौशेरा में जंग जिताई थी और उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे इसके बाद पिताजी की बात करें तो पिताजी एक साफ़ सुथरी छवि के एक नेता चाचा की बात करें तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार के चाचा लगते हैं तो ये पूरा एक फैमिली बैकग्राउंड है लेकिन इसके बाद आप भी दंग रह जाएंगे ये जान कर कि आखिर कैसे ऐसे बड़े सम्मानित परिवार से आने वाला एक लड़का अपराध की दुनिया में आ जाता है कैसे उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया 2002 में ऐसा क्या हुआ था जिसने इस अपराधी एक ये जो अपराध की दुनिया में आ चुका था मुख्तार अंसारी उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया था साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अपराधी बना और उसके बाद अपराधी बनने के बाद में कैसे राजनीति में आया कैसे नेता बनता है और नेता ही नहीं बना सिर्फ पाँच बार एम एल बार विधायक भी रहा तो ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है आखिर क्या हुआ था 2002 में ये पता चलेगा कैसे सेना से चुराई गई एक एल लाइट मशीन गन जो थी उसको खरीदने का सौदा किया गया था ये भी आपको पता चलेगा ये पता चलेगा कि अदालत ने आखिर क्यों बोला था ये आ, एक सेंटेंस अपना ये कहा क्यों कहा था अदालत ने कि विटनेस प्रोटेक्शन अगर होता विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट अगर होता तो शायद आज जो स्थिति है वो कुछ और होती जब से लगातार मुख्तार अंसारी पे केस चल रहे थे तो ये चीज़ें क्यों हुई इसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि जो पॉलिटिक पॉलिटिक्स में जो एंट्री है गैंगस्टर्स की वो क्यों बंद होना ज़रूरी थी क्यों इस पर रोक लगना ज़रूरी थी कैसे इन लोगों ने पॉलिटिक्स में आने के बाद भी लगातार क्राइम किए हैं यूपीएससी के लिहाज से भी कई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आज का एपिसोड होने वाला है कई सारी आपको जानकारियाँ पता चलेंगी एक लंबे जो जुडिशियल इंक्वायरीज चली जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुनवाइयाँ चली प्रोसीडिंग्स चली तो उनके बारे में भी आपको पता चलेगा हमारे सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज़ादी के पहले से एक बहुत ही सम्मानित परिवार रहा करता था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का एक स्वतंत्रता सेनानी थे गांधी जी के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते थे 1926 से 27 के बीच तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रहे थे तो यहाँ पे ये जो परिवार रह रहा था काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे ये लोग गांधी जी से और उनके करीबी माने जाते थे मुख्तार अहमद अंसारी का इतना ज़्यादा नाम था कि उनके नाम से दिल्ली में एक सड़क का नाम भी रखा गया बाद में और अपने जो अंतिम दिन थे उनके जो जीवन के नाइनटीन में जब उनका देहांत हुआ जब उनका निधन हुआ है उसके पहले तक वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स और चांसलर भी रहे थे तो इस पोजीशन पे भी वो अपनी डेथ तक रहे थर्टी सिक्स में उनका देहांत होता है इसके बाद में पूर्वांचल में क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस परिवार का काफ़ी ज़्यादा नाम था सम्मानित परिवार माना जाता था रुतबा काफ़ी ज़्यादा था इसी घर में तीस जून उन्नीस को एक लड़के का जन्म होता है एक लड़के का यहाँ जन्म हुआ उसका नाम रखा गया मुख्तार मुख्तार अंसारी पिता जो थे सुबहानल्लाह अंसारी वो एक बड़े कम्युनिस्ट नेता थे अपने जो एक उन्हें विरासत में मिला हुआ था एक अपने पिता के द्वारा बनाया हुआ पूरा प्रतिष्ठा मान सम्मान उसको आगे बढ़ा रहे थे उस विरासत को आगे बढ़ा रहे थे मुख्तार की माता जी के परिवार की अगर बात करें तो जो नाना थे मुख्तार के वो थे भारतीय हमारी फ़ौज के ब्रिगेडियर उस्मान वो ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने उन्नीस सौ की जंग में वीरगति को प्राप्त हुए थे नौशेरा की जो जंग थी भारत की, की उसमें जीत दिलाई थी हमें और साथ ही साथ में यहाँ पे जब वीरगति को प्राप्त हुए तो बाद में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया तो ऐसे जाबाज़ हमारे ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार के नाना जी थे अब मुख्तार के ऊपर आ जाते हैं शुरुआती जो पढ़ाई थी वो यूसुफपुर जो यूसुफपुर गाँव है उत्तर प्रदेश में वहाँ से शुरू हुई वहाँ से पूरी करने के बाद गाजीपुर में आने के बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब यहाँ से चलता रहा लेकिन इस बीच में एक मुकदमा लग चुका था बताया जाता है कि पंद्रह साल की उम्र में पहला क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज यहाँ पे सैदपुर पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर लग जाता है मुख्तार के ऊपर क्योंकि हुआ क्या कि इस तरह से बताई जाती है ये चीज़ें कि मुख्तार के जो पिता थे वो यहाँ पे जो आ, गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में ग्राम पंचायत थी ना माफ़ कीजिए नगर पंचायत थी उसके चेयरमैन हुआ करते थे और उनके एक तरह से राजनीतिक रसूख का उसने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था कॉलेज में था कॉलेज से ही गुंडई शुरू कर दी थी गुंडई का एक शौक आ चुका था और गुंडई का जब शौक चढ़ा ये जो सत्तर के दशक के अंतिम साल जो थे इस दौरान तो यहाँ से कॉलेज के ज़माने से एक मखनू सिंह और साधु सिंह गैंग हुआ करता था गाज़ीपुर के अंदर इस गैंग को यहाँ पे मुख्तार अंसारी ने ज्वाइन कर लिया इस गैंग में ज्वाइन हो जाता है और इसके बाद पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है ये हुआ था 1988 में सन 1988 में इसके पहले मखनू सिंह गैंग के लिए लगातार काम करता रहा अलग अलग वारदात करता रहा यहाँ पर लेकिन अठासी में यहाँ पे पहला एक मुकदमा दर्ज होता है और ये हत्या का मामला था किस तरह से इसको बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी ने मंडी परिषद के जो जिले के वहाँ पे एक लोकल ठेकेदार हुआ करते हैं सचदानंद नाम के तो सचदानंद नाम के इन ठेकेदार की यहाँ पे हत्या की गई थी जिसमें इसका नाम सामने आया अब जब नाम सामने आया तो भागना शुरू किया यहाँ से वहाँ भागे क्योंकि पुलिस पीछे पड़ी थी और पुलिस जब पुलिस से बचते हुए जब भाग रहे थे यहाँ पर तो उस दौरान एक कॉन्स्टेबल की हत्या हुई थी इस कांस्टेबल की हत्या का भी आरोप मुख्तार अंसारी पर लग गया था अब जब ये दो बड़े संगीन अपराध एक लड़के पर लगे इसके बाद यहाँ से ये जो लड़का धीरे धीरे करके एक बड़ा गैंगस्टर बनता गया तो आए दिन ये खबरें आने लगें कि मुख्तार अंसारी का हर अपराध की जो अलग वारदात होती थी उसमें नाम सामने आ जाता था ये सीधे चलती हैं इस बीच में नाइनटीन आया और नाइनटीन में मुख्तार की शादी हो जाती है अफशा अंसारी से अफशा अंसारी से यहाँ पे शादी हुई और ये वो समय था जब मुख्तार का नाम गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति थी उसमें भी चहलकदमी करने लगा था दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पे आप लोगों के लिए जो लोग आप हमारे एपिसोड सीरीज़ देखते हैं आपके लिए स्टडी आई पहली बार पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग नाम से एक कोर्स लेकर आया है और ये जो कोर्स है यहाँ पर आपको स्टोरी टेलिंग सिखाई जाती है कैसे अपनी बात को कहते हैं अपनी बात रखते हैं ये सिखाया जाता है साथ ही साथ में सिखाया जाता है रिसर्च कैसे करते हैं ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हैं या आपके चाहे आप बिज़नेस प्रोफेशनल हैं एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहना चाहते हैं आप लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने वीडियोज़ बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या बनना चाहते हैं एजुकेटर हैं जर्नलिस्ट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कोर्स इस कोर्स को ज़रूर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पे याद रखिएगा कि वी लाइव ये कोड लगाने से आपको ये कोर्स बहुत ही अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिलता है बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ मिलता है और ये आपकी करियर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है मिलते हैं स्टडी आई -क्यू के पावर ऑफ स्टोरी टोलिंग की पहली क्लास में तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में मुख्तार अंसारी का अब यहाँ पर एक बड़ा नाम होने लगा था गैंगस्टर के तौर पर लोग उससे खौफ खाने लगे थे दबदबा होने लगा था लेकिन इस बीच में जिस गैंग के लिए वो काम कर रहा था मखनू सिंह और साधु सिंह गैंग यहाँ पे उनका एक राइवल गैंग भी हुआ करता था साहिब सिंह गैंग साहिब सिंह और रंजीत सिंह जो गैंग था ये दोनों गैंग जो थे आपस में भिड़ते रहते थे समय समय पर इनकी गैंगवार होती रहती थी और इसी के चलते यहाँ पर एक प्लॉट के ऊपर एक ज़मीन के ऊपर कब्जे के लिए आ, इन दोनों गैंग के बीच में रंजिश चल रही थी गैंग गैंगवॉ चल रहा था लगातार एक दूसरे के आदमियों को ये लोग मारते थे तो ये चीज़ चलती है सैदपुर के पास ये ज़मीन का टुकड़ा था जहाँ पे जिसके लिए ये सब विवाद पूरा चल रहा था इन दोनों गैंग के बीच में और ये विवाद अचानक से एक मोड़ ले लेता है मखनू सिंह गैंग के पक्ष में जब मखनू सिंह ने जाके साहिब सिंह की यहाँ पे हत्या कर दी दूसरे गैंग के जो सरदार था उसकी हत्या कर दी जाती है अब मुख्तार अंसारी जो था वो क्योंकि मखनू सिंह गैंग में ही था और ब्रजेश सिंह यहाँ पे एक नया जो गैंगस्टर था उभरता हुआ गैंगस्टर उसने साहिब सिंह का गैंग ज्वाइन कर लिया था इस बीच में क्या होता है कि मखनू सिंह और जो साहिब सिंह साहिब सिंह क्योंकि मारा जा चुका था मखनू सिंह भी पीछे हटते हैं उसके बाद मुख्तार अंसारी इस गैंग की आगे कमान संभालना शुरू करता है धीरे धीरे और ये इस तरह से चीज़ें चलती गईं कि ब्रजेश सिंह साहिब सिंह गैंग की तरफ से और मखनू सिंह गैंग की तरफ से मुख्तार अंसारी इन दोनों के बीच में राइवलरी होने लगी इन दोनों के बीच में दुश्मनी होने लगी अलग अलग ठेकों के लेके अलग अलग जो ठेके थे आ, लुक्रेटिव ठेकेदारी जो गाजीपुर के एरिया में थी कॉन्ट्रैक्ट माफिया के तौर पर इन लोगों को अपना वर्चस्व कायम करना था इस तरह के ठेके पे इन लोगों ने कब्ज़ा करना शुरू किया जिसमें कई सारी चीज़ें सामने आती थी शराब के ठेके थे कोल के ठेके थे स्क्रैप के रेलवे के तो ये सारे ठेके पे इन लोगों ने अपना अपना वर्चस्व कायम करना शुरू किया जिसकी वजह से इनकी लड़ाइयाँ चलती गईं ये सारी चीज़ें चली रही थी लेकिन साथ में आपराधिक गतिविधियाँ भी और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी इनकी ये लोग क्या करते थे कि एक्सट्रोशन वसूलते थे, थे। एक्सट्रोशन किडनेपिंग और गुंडा टैक्स ये सब चीज़ें यहाँ पर वसूलने लगे थे तो ये दोनों ही गैंग बहुत सी क्रिमिनल गतिविधियों में इन्वॉल्व होने लगे थे इस बीच में कुछ लोगों के मर्डर भी हुए जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया एक कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे अजय राय तो उनके बड़े भाई अवधेश राय के यहाँ पे तीस साल के एक बिजनेसमैन हुआ करते थे अवधेश राय उनकी हत्या हुई थी 1991 में उसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आता है पुलिस ने ढूंढना चाहा लेकिन अंडरग्राउंड हो गया अंडरग्राउंड होने के बाद में यहाँ पे पुलिस ने 1997 में मुख्तार अंसारी का जो गैंग था उसको रजिस्टर किया था आई एस के नाम से तो आई एस के नाम से इसके गैंग को भी यहाँ रजिस्टर कर लिया गया था अब तक आप ये देखिए कि ये 91 में एक मर्डर हुआ फिर अंडरग्राउंड हो गया उसके बाद 97 में गैंग को भी रजिस्टर कर दिया गया अब तक गाजीपुर मऊ और बनारस के जो इलाके थे यहाँ पे मुख्तार का जो भय था जो दबदबा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा ये इस तरह से बढ़ा कि गैंग ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका था मुख्तार अंसारी क्या करता था कि अंडरग्राउंड होकर अपने जितने भी इलीगल काम थे उनको यहाँ पर चला रहा था और दूसरी तरफ एक और चीज़ ये बताई जाती है कि जनता के बीच में अपनी रॉबिन हुड की छवि बनाने लगा था किस तरह से ये काम किया जाता था कि जनता की मदद की जाती थी अलग अलग जो उनके पर्सनल कुछ मामले होते हैं उसमें उनके अपने तौर पर निपटारे किए जाते थे अपने रसूख के अपने दबदबे के दम पे खौफ के दम पे निपटारे किए जाते थे ये सारी चीज़ें चलने लगी अब यहाँ पे मुख्तार ने ये क्यों किया था आप सभी इसको समझ सकते हैं किस तरह से इसको समझ सकते हैं कि एक तरफ से पैसा आ रहा है अंधा पैसा यहाँ से अपने इलीगल कामों से कमा रहे हैं दूसरी जगह डर डर है पब्लिक के बीच में खौफ है तो यहाँ पर एक रॉबिन उड की छवि बनाना शुरू कर दी अपनी क्योंकि अब मुख्तार अंसारी राजनीति में आने का मन बना चुके थे राजनीति में आने का यहाँ पे मन बना लिया था पूर्वांचल में अच्छा खासा जो रसूख था रुतबा था इसकी वजह से एक रॉबिन उड की छवि बनने लगी और इसी के तहत यहाँ पर नाइनटीन में क्या हुआ था कि नाइनटीन के चुनावों में बी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पे मऊ की सीट से मुख्तार अंसारी को खड़ा किया जाता है और खड़ा किया गया मुख्तार अंसारी वो सीट जीत जाते हैं इस सीट पे उनकी जीत होती है जीत दर्ज की और पूर्वांचल के जो भू माफिया के तरह उनकी एक छवि थी वो बन गई एक राजनेता की छवि कैसे पूर्वांचल का एक भू माफिया एक राजनेता बना एक नेता बन गया राजनीति की दुनिया में आया इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं तो ये अब चीज़ यहाँ से हुई और मऊ की ये वो सीटें आपको बता दें कि ये नाइनटीन से सिलसिला शुरू हुआ और इसके बाद करीबन पाँच बार यहाँ से एम एल ए बने यहाँ से पाँच बार विधायक चुने गए तो अब यहाँ पर मुख्तार अंसारी की राजनीति में एंट्री हो गई नब्बे का दशक निकल गया दो आता है दो में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ हुआ क्या था कि मुख्तार अंसारी के काफिले पर जो ये दो गैंग हुआ करते थे एक मुख्तार अंसारी का गैंग एक ब्रजेश सिंह का गैंग तो ब्रजेश सिंह के गैंग ने 2001 में मऊ लखनऊ हाईवे पर मुख्तार अंसारी के गैंग के ऊपर उसके काफले के ऊपर हमला कराया इस हमले में अंसारी के तीन बेस्ट ऐसे करीबी जो लोग हुआ करते थे उनकी मौत हुई और साथ में यहाँ पे गोलीबारी में ये भी बताया गया कि ब्रिज सिंह को भी बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकली इंजर्ड हुआ है उसकी भी यहाँ पे मौत हो चुकी है इस तरह की खबरें फैलाई गई कि ब्रजेश सिंह की यहाँ पे मौत हो गई जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल का एक अनडिस्प्यूटेड किंग जिसे कहा जाता है कि एक छत्र जिसका राज होगा ये यहाँ पर बताया गया कि मुख्तार अंसारी अब है ब्रिजेश सिंह नहीं है तो मुख्तार अंसारी का पूरा राज होगा यहाँ पर पूर्वांचल में लेकिन इसी के बाद कुछ ही दिनों के बाद में बताते हैं कुछ ही महीनों के बाद में मुख्तार के ही गैंग के एक आदमी ने मऊ और ये जो गाजीपुर का एरिया था यहाँ पे ब्रज सिंह को देखा और जब ये देखा जाता है इसके बाद में ये पता चलता है कि ब्रज सिंह उस अटैक में बच गया था और वहाँ पे उसके बाद ये जो इनका रंजिश थी जो गैंगवार थी वो दोबारा से चलने लगती है इस बीच में यहाँ क्या हुआ कि अगला साल आता है दो और दो दो में ये साल मुख्तार की ज़िंदगी में एक तरह से बदलाव लाने वाला था बड़ा बदलाव और एक तरह से उसकी जो जिंदगी थी वो अंत की तरफ जा सकती थी ये कैसे हुआ यहाँ एंट्री हुई थी कृष्णानंद राय की 2002 में इलेक्शंस होते हैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए तो उस चुनाव में जो मोहम्मदाबाद की सीट थी तो मोहम्मदाबाद की असेंबली जो सीट थी उसमें 2002 के चुनाव में एक तरफ खड़े हुए थे कृष्णानंद राय दूसरी तरफ खड़े हुआ था मुख्तर अंसारी का भाई अफजाल अंसारी तो यहाँ पर अफजाल अंसारी खड़ा होता है और कृष्णानंद राय खड़े होते हैं लेकिन उस चुनाव में मोहम्मदाबाद की सीट से जो कि बताया जाता है कि बहुत ही लंबे समय से सन 1983 एटी या एट्टी से ही ये सीट जो थी अंसारी परिवार की हुआ करती थी यहाँ पर पहली बार दो में कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया जब ये सीट हारी जाती है बाद में ये ख़बरें सामने आने लगी जब पता कराया कि ये जो कृष्णानंद राय हैं इनको जो फाइनेंस था जो सपोर्ट था वो ब्रजेश सिंह गैंग की तरफ से था उनकी तरफ से पूरी फाइनेंसिंग की जा रही थी और जो कृष्णानंद राय का पॉलिटिकल ऑफिस जो था जो उनका दफ्तर था उसमें सारे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो भी ब्रजेश सिंह गैंग को लगातार दिए जा रहे हैं बाद में जब वो यहाँ पर जीत चुके हैं चुनाव उसके बाद तो इन सब चीज़ों के चलते मुख्तार अंसारी ने एक प्लान बना लिया था और ये प्लान इस तरह का था जो आगे जाके कृष्णानंद राय की हत्या में तब्दील होने वाला था ये किस तरह से किया गया कि आपको बता दें इस समय आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि 2002 में जो चुनाव हुए थे उसमें मुख्तार अंसारी अपनी सीट से जीता था मऊ की सीट से एक बार फिर से विधायक चुन के आया था जीत के जीत दर्ज की थी अपनी लेकिन हुआ यह कि राय की जो जीत थी कृष्णानंद राय की कि अपने भाई को उसके भाई को जो अफजाल अंसारी थे उनको हरा दिया था कृष्णानंद राय ने उस सीट से महमदाबाद की तो ये मुख्तार अंसारी को नावगंवार गुज़ गुजरा और इसके बाद उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि 2004 फरवरी में कृष्णान राय के जो करीबी लोग हुआ करते थे उनके मर्डर्स होना शुरू हुए दो में चार में आपको बता दें कृष्णान राय के जो खास थे अक्षय उर्फ टुनटुन अक्षय राय तो उनका यहाँ पे मर्डर कर दिया जाता है इसके दो महीने बाद 26 अप्रैल को 2004 में ही कृष्णान राय के एक और करीबी झिनकू उनका मर्डर कर दिया जाता है उसके बाद में भाजपा के एक कार्यकर्ता हुआ करते शोभनाथ राय उनकी हत्या कर दी जाती है ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी इस बीच में पुलिस भी अपना एक तरह से ठोस अपनी कार्रवाई करने के लिए जागरूक थी वो करना चाहती थी कार्रवाई मुख्तार अंसारी पर क्योंकि लोगों को पता था कि ये कहीं ना कहीं मुख्तार गैंग का काम है इसी के तहत एक डीएसपी एस पी सिंह आते हैं शैलेन्द सिंह जो डी थे इन्होंने मुख्तार अंसारी पर नज़र रखना शुरू किया और जब नज़र रखना शुरू किया तो उन्होंने फ़ोन टैपिंग जब चालू की फ़ोन टैपिंग के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा एक शौक़ मिला था एक सन वो रह गए थे उस फोन टैपिंग को सुन के क्योंकि उस फोन टैपिंग में जनवरी 2004 की ये बात बताई जाती है कि जब मुख्तार अंसारी एक सेना से चुराई हुई एल लाइट मशीन गन जो है उसकी डील यहाँ पर उसका सौदा यहाँ पर कर रहा था फ़ोन पर एक शख्स से बात हो रही थी उसके बाद उस शख्स से ये बात हो रही थी कि उस व्यक्ति ने जो कि खुद सेना में था भगोड़ा था सेना से और उसने यहाँ पे राष्ट्रीय राइफल से एक एलएमजी चुराई है वो इसका सौदा वो कर रहा था मुख्तार अंसारी से मुख्तार अंसारी का ये कहना था कि उसे किसी भी कीमत पर ये एल चाहिए वो इससे आगे एक बड़ा काम करने वाला है ये चीज़ सामने आती है और लगभग बता दें कि एक करोड़ रुपये में उस समय दो में ये सौदा किया गया था अब जब ये बात सामने आती है मुख्तार अंसारी के खिलाफ यहाँ पे फ़ोन रिकॉर्डिंग थी पुलिस के पास में एलएमजी की बाद में बरा बरामदगी भी हो गई तो पुलिस को एक ठोस सबूत था और हौसला बढ़ गया इस तरह से कि अब तो ये जो ऐसा केस है जिसमें बड़ा केस बहुत ही सनसनीखेज है और मुख्तार अंसारी के दिन अब ख़त्म हो चुके हैं अब वो इससे बच नहीं सकता ये चीज़ सामने आ चुकी थी सख्त से सख्त सज़ा उसको हो सकती थी इसमें तो पुलिस ने यहाँ पे आर्म्स एक्ट के तहत और साथ में पोटा भी लगा दिया था तो ये लगाया और ये सब चीज़ें जब पुलिस कर रही थी एक कार्रवाई होने वाली थी इसी बीच में हुआ क्या कि ये जो जानकारी थी ये लग गई मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी आपको बता दें आपको पता भी होगा कि उस समय पे ना सिर्फ़ एक बाहुबली नेता था बल्कि सरकार में भी उसकी पकड़ थी उसने हाल ही में बहुजन समाज पार्टी को उस समय पर तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ में अपना जो सरकार थी उसको बनाया था तो ये मुलायम सिंह यादव जो थे वो भी वहाँ पर सी एम हुआ करते थे उस समय पर तो एक तरह से उसकी सरकार में बहुत बड़ी पकड़ थी और इस चल इसके चलते हुआ क्या आप ये सुन के दंग रह जाएंगे कि ये जो केस था जिसमें एक संगीन आरोप लगा हुआ था आर्म्स एक्ट के तहत जो केस चल रहा था साथ में पोटा भी लगा दिया गया था इस पूरे मामले को ही रद्द करा दिया जाता है मुख्तार अंसारी ने अपने खिलाफ़ इस पूरे मामले को रद्द करा दिया गया था और इसके बाद में क्या हुआ था ये सुनिए यहाँ से रातों रात जो आईजी बनारस थे उनका तबादला किया गया डीआईजी का तबादला किया गया और साथ में एसपी सहित करीबन दर्जनों बड़े ऐसे अधिकारी थे जिनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वाराणसी में जो उस समय पर बनारस में जो उस समय पर जो एस मौजूद थी स्पेशल टास्क फोर्स उसकी यूनिट को दोबारा से लखनऊ वापस बुला लिया गया ये भी यहाँ से हो गया और इसके साथ में जो डी एस पी शैलन सिंह थे जिन्होंने पूरी फ़ोन टैपिंग सुनी थी उन पर बहुत जोरदार दबाव बनाया जाने लगा कि इस केस को वापस करो इस केस को ख़त्म करो यहाँ पर जब ये दबाव बनाया गया तो इसके चलते डी एस पी शैल सिंह को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा उन्होंने अपने पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया रिज़ाइन कर दिया और कई सारे फर्जी जो चार्जेस थे जो केसेस थे वो शैलेंद्र सिंह के ऊपर भी लगा दिए गए इतने संगीन केस में जहाँ पे इतने बड़े बड़े चार्जेस लगे हैं सेना से चुराई गई एक एल की डील हो रही थी और ये आगे किसी बड़े एक्शन को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था एक बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था लेकिन आप ये देखिए कि राजनीति और अपराध किस तरह से संलिप्त थे उस समय पर कि इतने बड़े केस को दबा दिया गया था तो अब यहाँ पर एक बड़ा केस जो था वो भी मुख्तार अंसारी के ऊपर ख़त्म हो जाता है उसको दबा दिया जाता है राजनीतिक रुतबा और राजनीतिक पकड़ किस तरह की बढ़ती जा रही थी आप ये यहाँ पे देखिए अब हुआ क्या कि मुख्तार का गैंग एक बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए बहुत दिनों से बहुत ही कम से कम दो साल पहले से ही वेट कर रहा था 2002 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें महमदाबाद की सीट से मुख्तार अंसारी के आ, जो भाई थे अफजाल अंसारी उनको हरा दिया था यहाँ पर कृष्णानंद राय ने कृष्णानंद राय की हत्या करने का प्लान यहाँ पर किया जा रहा था उनके करीबी लोगों को लगातार मार दिया गया था मर्डर कर दिए गए थे और अब कृष्णानंद राय पर भी अटैक होने वाला था हुआ क्या इसके पहले कि 2005 में मऊ में हिंसा होती है कुछ हिंसा हुई और उसके चलते यहाँ पे जो हिंसा भड़काने के आरोप थे वो मुख्तार अंसारी पर लगते हैं पुलिस के सामने मुख्तार अंसारी ने खुद जाके सरेंडर कर दिया कि मेरी वजह से ये सब हुआ है आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए मुख्तार अंसारी यहाँ जेल चला जाता है गाज़ीपुर पुलिस के सामने यहाँ पर गा, गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर किया जेल चला गया अब मुख्तार यहाँ पे जेल में था 2005 में लेकिन इसके बाद बाहर एक ऐसा खेल होने वाला था जिसको कहा जाता है इसके आरोप लगे सीधा मुख्तार अंसारी के ऊपर अब ये कैसे हुआ उनतीस नवंबर 2005 की बात है कृष्णानंद राय जो थे वो अपने काफ़िले के साथ में लोगों के साथ में गाड़ी और लश्कर के साथ में अपने गाजीपुर के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करके वापस आ रहे थे और ये एरिया था भावरकोल नाम से भावरकोल एरिया में गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट के उनका जब काफिला लौट रहा था तो एक ऐसी जगह थी जहाँ से गाड़ी मोड़ने का दाएँ बाएँ कहीं भी गाड़ी मोड़ नहीं सकती थी एक ऐसी पतली सड़क पर कुछ गैंगस्टर्स ने मुख्तार अंसारी गैंग के कुछ ऐसे गैंगस्टर्स आए कुछ ऐसे गुंडे आए जिन्होंने एक सुमो गाड़ी में टाटा सुमो में थे और बाकी कुछ मोटरसाइकिल्स पर थे कृष्णानंद राय के काफले को घेर लिया और ताबड़ तोड़ गोलीबारी यहाँ शुरू कर दी ए के से यहाँ पर गोलीबारी की जाती है और बताया यह जाता है कि 500 राउंड गोलियां फायर की गई थी 500 राउंड गोलियां फायर होती हैं भागने का कोई रास्ता नहीं था और इसी के तहत इस हमले में कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की उनके करीबी सात लोगों की मृत्यु हो जाती है उनकी सात लोगों की कृष्णानंद राय की मौत हो गई इसके बाद इन्होंने क्या किया मुख्तार अंसारी के गैंग के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उसमें से एक ने कृष्णानंद राय की जो वो चोटी रखते थे तो उस चोटी को काट लिया और ये बाद में फ़ोन टैपिंग में उजागर हुई है ये चीज़ के वो चोटी को काटा गया था ये बताने के लिए कि मुख्तार अंसारी के गैंग ने कृष्णानंद राय की हत्या कर दी है उनकी चोटी को काट लिया जाता है और ये जो केस था ये जो एक अटैक हुआ था जिसमें विधायक की हत्या हो चुकी थी कृष्णानंद राय की इसने पूरी यूपी की राजनीति को हिला दिया था ये चीज़ सामने आती है लेकिन अब मुख्तार अंसारी जेल में था खुद से सरेंडर किया था 2005 में जेल में रहता लगातार अलग अलग जेलों में बंद रहा यहाँ से अब यहाँ वो जेल में पहुँचा है तो इसके बाद आप ये देखिए कि काफ़ी लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं निकल पाया और हुआ ये कि अलग अलग जेलों में ट्रांसफ़र किया जाता रहा अब जेलों में ट्रांसफ़र किए जाने पर भी क्या होता था आप उसको सुनिए पहले गाजीपुर जेल में रखा गया उसके बाद मथुरा आगरा बांदा इन जेलों में रखा गया इसके बावजूद भी पूर्वांचल के अंदर जितने भी ये अपराध की के जो काम थे दबदबा था वो उसका कायम रहा एक बार सुरक्षा की मांग को लेकर बांदा जेल से यहाँ से कुछ समय के लिए पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट हो गया पंजाब की रोपड़ जेल में जाने के बाद में कुछ ऐसी खबरें आईं कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मुख्तर अंसारी को वहाँ और इतना तक सामने रिपोर्ट्स आई थी मीडिया रिपोर्ट्स के कुछ ऐसे बड़े अफसर हैं पुलिस के कुछ ऐसे बड़े अधिकारी हैं पुलिस के जो कि उसकी तीमारदारी में लगे हुए हैं लगातार उसके आओ भगत में लगातार काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हुई लेकिन हालाँकि बाद में उसको एक बार फिर से बांदा जेल वापस ले आते हैं बांदा जेल शिफ्ट कर दिया जाता है जेल से दो का चुनाव जीता आगे भी चुनाव जीतता रहा विधानसभा की सीट लगातार जीत रहा था अब 2009 आता है 2007 में विधानसभा की सीट जीत चुका है मुख्तार अंसारी जेल से ही बैठ के लेकिन 2009 में लोकसभा में अपना हाथ आजमाना चाह पहली बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पे बी की इस तरफ से मुख्तार अंसारी ने चुनाव लड़ा ये सोचा कि किस्मत एक बार आजमाते हैं लेकिन इस चुनाव को हार जाता है पहली बार था ये कि लोकसभा का चुनाव मुख्तार अंसारी ने पहली बार लड़ा है और पहली बार में ही हार गया फिर दो आता है दो में अपना खुद का एक कौमी एकता दल बनाया कौमी एकता दल बनाया एक नई पार्टी थी और इस नई पार्टी से मऊ सीट पर चुनाव भी जीत गया इसके साथ ही 2017 में एक बार फिर से बसपा के साथ में बसपा का रुख करता है और बसपा का रुख करने के बाद मऊ से एक बार फिर चुनाव जीत जाता है करीबन पाँच बार मऊ की सीट से विधायक बनता है अब आप यहाँ पर ये देखिए कि एक अपराधी जो कि जेल में है जो लगातार अपनी पार्टियाँ बदल रहा है जेल से बैठ कर जो लगातार अपने चुनाव जीत रहा है जेल से बैठकर ऐसा अपराधी ये किस तरह से कर पा रहा है कितना उसका बड़ा पॉलिटिकल एक ये हमारा पॉलिटिकल ग्लिच है ये हमारी पॉलिटिकल खामी है कि एक अपराधी को एंट्री मिल जाती है उसके बाद वो जेल में रहकर लगातार चुनाव जीत सकता है और जेल में रहकर जनता उसको जिता भी रही है उसके ऊपर जो चार्जेज हैं उन पर सुनवाई धीरे धीरे हो रही है ये सारा काम ढंग से किया नहीं जा रहा है गवाहें जो हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है और इसके चलते गवाह अपनी गवाही से मुकर जा रहे हैं और अपराधी को पूरी तरह से सजा नहीं हो पा रही है तो मुख्तार अंसारी लगातार जेल में रहा लेकिन इसके बाद 2017 आता है 2017 में उत्तर प्रदेश में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी उसके मामले में जो मामला था क्योंकि सीबीआई को दे दिया गया था सीबीआई के पास था और इस मामले में सुनवाई जो आगे लगातार चल रही थी उसमें थोड़ी तेज़ी आती है और तेज़ी के साथ दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने ये कहा था उस समय पर इस मामले के तहत दो में तो साल दो में स्पेशल कोर्ट ने ये कहा कि अगर गवाहों को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत यहाँ पे लाभ मिलता तो शायद आज कहानी कुछ और होती ये इसलिए कहना पड़ा था क्योंकि लगातार जो सुनवाई थी जो विटनेस थे वो सही से अपना बयान दे नहीं पा रहे थे जो एक्चुअल में हुआ था वो बता नहीं पा रहे थे मुख्तार अंसारी के डर से उसके खौफ से तो ये चीज़ यहाँ पर थी लेकिन इसके बाद कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में अप्रैल दो में कोर्ट ने एक उत्तर प्रदेश की जो गाजीपुर की कोर्ट थी वहाँ पे उन्होंने कन्विक्ट किया और मुख्तार अंसारी को इसमें दोषी पाया और दस साल के लिए जो आ, कारावास था इसकी यहाँ पर सज़ा सुनाई कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में इसके बाद आपको बता दें डी तो एस पी शैलेंद्र सिंह थे जिनको जिनके ऊपर एक अपना काम बखूबी करने के लिए अच्छे से अपना काम करने के लिए उन्हें सज़ा किस तरह से दी गई थी कि उनके ऊपर विभागीय जांच बिठा दी गई थी उन्हें जेल भेजने भेज दिया गया था इस तरह से उनके ऊपर चीज़ें लगातार उस समय के दौरान हुई जब उन्होंने फोन टैपिंग की एक बड़ा केस बनाया था कि एक सेना से चोरी हुई चोरी की हुई एल एन जी यहाँ पर सौदा किया जा रहा था मुख्तार अंसारी के द्वारा तो ये सब जो केस उन्होंने बनाया था इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए था लेकिन पुरस्कार की बजाय उन्हें सज़ा दी जा रही थी उनके ऊपर विभागीय जाँच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दी गई थी लेकिन यहाँ पर योगी सरकार में आने के बाद योगी सरकार ने यहाँ पे 6 मार्च 2021 को शैलेंद्र सिंह के ख़िलाफ़ जो केस दर्ज थे जो उनके ऊपर दर्ज मामला था सारे के सारे केस जो थे कोर्ट के आदेश पर उनको वापस ले लिया तो यहाँ पे ये भी चीज़ होती है मुख्तार पर तमाम जो केसेस चल रहे थे उनकी सुनवाई होती रही सजाएँ मिलती रहीं लगातार और किस तरह से मिल रही थी ये आपको बताते हैं कि कैसे कैसे एक एक करके हर एक साल एक एक केस आता गया उसमें सज़ा सुनाई जाने लगी जून दो में वाराणसी की एक अदालत ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई लाइफ इंप्रजनमेंट जिसको जो दिया गया था कि जो 1991 में अवधेश राय का एक लोकल पॉलिटिशियन थे उनका जो लोकल बिजनेसमैन थे उनका जो मर्डर हुआ था ये इसके लिए यहाँ पे इनको सज़ा सुनाई जाती है इसके बाद अगला क्या आता है अगला आता है कि एक कोल टाइकून थे नंद किशोर रुंगटा तो नंद किशोर रुंगटा का वाराणसी में जो नाइनटीन में मर्डर हुआ था उसकी जो सुनवाई थी वो अभी तक पेंडिंग है वो पेंडिंग लगाता चली आ रही थी किडनैप किया गया था बाद में उनको मार दिया गया था ये भी अंसारी के ऊपर इसका अंसारी गैंग के ऊपर मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप था लेकिन यहाँ पे मुख्तार अंसारी को इस केस से ही रिलेटेड एक और केस में सज़ा होती है सज़ा क्या हुई थी कि महावीर प्रसाद रुंगटा जो कि भाई थे नंदकेशोर रुंगटा के उनको डराया धमकाया जा रहा था क्योंकि वो अकेले विटनेस थे तो उनको डराए धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को पाँच साल छः महीने की यहाँ पर कैद की कैद की सजा सुना थी वाराणसी कोर्ट 26 साल पुराना मामला था ये आपको बता दें तो इतने सालों बाद यहाँ पे दोबारा से सुनवाइयाँ शुरू हुई और कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाना शुरू किया इसके बाद 2023 10 अक्टूबर को देखिए 10 साल की और सज़ा सुनाई जाती है गैंगस्टर एक्ट में जो कि 2010 में गाजीपुर का मामला था इसके बाद 5 जून 2023 को मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा लाइफ सेंटेंस की सज़ा सुनाई जाती है मर्डर और राइटिंग के, के केस में जो नाइनटीन में वाराणसी में हुआ था 2022 15 दिसंबर को 10 साल के लिए फिर सेंटेंस लाइफ सेंटेंस जो हाँ दस साल की जो कैद थी वो सुनाया जाता है गैंगस्टर एक्ट के केस में जो कि उन्नीस में रजिस्टर था गाजीपुर में उसके बाद सितंबर 23 2022 को मुख्तार अंसारी को पाँच साल के लिए जेल टर्म भेजा जाता है जेल टर्म की उनको सजा सुनाई जाती है ये भी गैंगस्टर एक्ट में हुआ था गैंगस्टर एक्ट का एक केस था 1999 लखनऊ के हज़, हज़रतगंज गंज पुलिस स्टेशन का ये सारी चीज़ें चलती रहीं सारे के सारे केस लगातार चलते रहे सज़ा सुनाते गए उत्तर प्रदेश उस समय पर उत्तर प्रदेश में करीबन बावन या साठ के के बीच में ये केस बताए जाते हैं ये दर्ज थे मुख्तार अंसारी पर और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोशिश की कि लगातार ये जो केस हैं इनमें जल्द से जल्द सज़ा उसको सुनाई जाए मुख्तार अंसारी को योगी सरकार के आने के बाद क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी के जो एक करोड़ के बताया जाता है उसके गैंग की उसकी जो सम्पत्तियाँ थी उनको यहाँ पर ध्वस्त किया गया या सरकार ने अपने कब्जे में उसको ले लिया जब्त कर लिया मुख्तार गैंग की जो अवैध और बेनामी संपत्तियां थी उन पर लगातार उनको छापेमारी की जा रही है लगातार उनका पहचान की जा रही है मुख्तार गैंग के छियानवे लोग अभी तक ऐसे हैं जो छियानवे गुंडे थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और पिचहत्तर ऐसे हैं जिन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है ये सारी चीज़ें की गई और आठ मामलों में उसको सज़ा भी सुनाई जा चुकी है इसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं हाल ही में अभी 2024 में अब क्या हुआ है वो आपको बताते हैं जो आखिरी केस था मख्तार अंसारी पर जिसमें उसको सज़ा हुई है जिसमें उसको कन्विक्ट पाया गया था ये था कि 1990 में आम लाइसेंस के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे और फ़र्जी डॉक्यूमेंट के तहत यहाँ पर आम लाइसेंस लिया गया था उन्नीस में मतलब जब शुरुआती दौर था उसी समय पर इसके चलते वाराणसी की अदालत ने हाल ही के समय में हाल ही के टाइम में लाइफ इंप्रजनमेंट की उम्र कैद की आजीवन उम, कारावास की सज़ा यहाँ पर सुनाई लेकिन अब ये सब चीज़ें चलती हैं और साल 2024 आ जाता है साल 2024 आया मार्च का महीना था कुछ ही दिन पहले अंसारी की मुख्तार अंसारी की जो कि बांदा जेल में बंद था तिरसठ साल की उम्र थी 63 इयर्स ओल्ड तो अब यहाँ पे उसकी जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगती है जो स्टेटमेंट बाद में अब बांदा मेडिकल कॉलेज से सामने आया है उसमें उन्होंने ये बताया कि मुख्तार अंसारी को जो भर्ती कराया गया था यहाँ पे क्योंकि उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने लगी थी ये हुआ था 28 मार्च 2024 को 28 मार्च 2024 को वॉमिटिंग की उल्टी होने की कंप्लेंट लेकर वो यहाँ पे आए थे और उसके साथ में उनका आठ बज के पच्चीस मिनट के आसपास अचानक से कॉन्शियसनेस जो थी जो होश था वो ख़त्म हो चुका था और उनकी आँखें जो थी वो बंद होने लगी थी नौ डॉक्टर्स की टीम ने एफ़र्ट किया कि इनको बचाया जाए इनके प्रयास किया जाए कि उनको सही तौर पर वापस लाया जाए लेकिन अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आता है हार्ट अटैक आता है उसके बाद बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है तो ये थी मुख्तार अंसारी की कहानी कैसे एक इतने सम्मानित परिवार से आने वाला लड़का जिसके दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे गांधी जी के साथ में थे नाना जो थे वो ब्रिगेडियर उस्मान रहे नौशेरा के किंग उन्हें नौशेरे का लॉयन कहा जाता है उस लड़ाई में जो उन्होंने भारतीय सेना को जीत दिलाई थी इसके साथ ही पिता एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति और चाचा जो थे वो भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी लेकिन ऐसे एक सम्मानित परिवार से आने वाले लड़के ने जो अपनी लेगेसी को फैमिली की कंटिन्यू कर सकता था एक बड़े पद पर एक बड़े काम कर कर ज़िंदगी में अपने उसने गलत रास्ता चुना और कैसे उसका पतन हुआ और उसके पतन के साथ में उस पूरे परिवार के ऊपर भी एक तरह से एक दाग लग जाता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग एक परिवार में रहे हैं उसके बाद में एक ऐसा शख्स सामने निकल के आता है जिसके ऊपर दर्जनों अपराध के मामले हों मर्डर के मामले हो अपहरण के एक्सट्रॉशन के मामले हो गुंडा टैक्स वसूलने के मामले हो आर्म्स एक्ट हो गैंगस्टर एक्ट हो तो ये एक ऐसा शख्स यहाँ पे जिसका हाल ही में जो निधन हुआ है जो मौत हुई उसके बाद कई सारे फैमिली के लोग कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के के ये साजिश है जहर दिया गया था लेकिन जो रिपोर्ट में सामने आया वो यही आया है कि हार्ट अटैक से यहाँ पर मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो आज आपको बताया हमने पूरा डिटेल वीडियो जिसके बारे में आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी समय से आज एक माफ़ी चाहेंगे आपसे कि आपके जो सवाल हैं जो पिछले वीडियो पर आए थे उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया है टीम ने लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है समय की थोड़ी सी कमी के चलते ये सारे सवाल इनके जवाब बिल्कुल दिए जाएंगे लेकिन अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही तसल्ली से बात करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देंगे तब तक के लिए दीजिए एजाज आप एक और काम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो स्टडी आई आपके लिए पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग कोर्स लेकर आए एक बार जाके ज़रूर देखिएगा कहानी कहते कैसे हैं सुनाते कैसे हैं अपनी बात कैसे कहते हैं क्योंकि कहानी सुनाने का सिर्फ ये मतलब नहीं है हम हर बार बोलते हैं कि अपने आगे कुछ लोगों को बिठा के आप कहानी बता रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपनी बात कैसे कहते हैं चाहे फिर आप अपने ऑफिस में हो अपने फ्रेंड सर्कल में हो फैमिली के साथ में हो वीडियोस बनाते हो अपनी बात कहने के लिए अपना कुछ इंसिडेंट्स बताने के लिए हिस्ट्री बताने के लिए हमारी तरह वीडियोज़ बनाते हो रिसर्च करना हम सिखाते हैं यहाँ पर आप कोर्स कोर्स के अंदर तो ये कोर्स आप ज़रूर जाके ले सकते हैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दिख दिख जाएंगे और कोई भी क्वेरी हो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं वहाँ पे हम बातचीत करेंगे लंबी हमारी कम्युनिटी है जो वो बनेगी चलेगी तो ये सब आप एक बार जाके जरूर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा मिलते हैं आप अगले एपिसोड में तब तक ले दीजिए आजाद नमस्कार धन्यवाद जय हिंद स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल